सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे बाय इनकम मेथड। बहुत ही आसान टॉपिक है ये नेशनल इनकम का। बच्चे इससे बहुत डरते हैं नेशनल इनकम के मेथड से, कि इनकम मेथड कैसे करते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड कैसे करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड कैसे करते हैं। कुछ नहीं है, सबसे आसान मेथड है इनकम मेथड, राइट। तो इनकम मेथड को हम किस तरीके से समझेंगे, चलिए शुरू करते हैं। मेरी एक एडवाइस है, आप सभी मेरे साथ एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए, ताकि जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड का आपका एग्रीगेट होता है NDPFC। अब NDPFC क्या होता है, इसका मैं फुल फॉर्म बताने जा रहा हूं। NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। इसको मैं एक्सप्लेन इस वीडियो में नहीं करूंगा, आने वाली वीडियोस में बाय एकेडमी की इसमें एक्सप्लेन होगा एनडीपीएफसी क्या होता है, राइट। तो अभी आप ये समझिए कि इनकम मेथड का एग्रीगेट एनडीपीएफसी होता है। इनकम मेथड को एनडीपीएफसी से भी जाना जाता है। एनडीपीएफसी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, राइट। अब इसको धीरे धीरे समझेंगे और पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे आज इनकम मेथड को, राइट। चलिए, इनकम मेथड एनडीपीएफसी लिख लिया आप सभी ने, वेरी गुड। तो एनडीपीएफसी इनकम मेथड से हम निकालने वाले हैं नेशनल इनकम। एनडीपीएफसी क्या होता है, एनडीपीएफसी के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? पहला कॉम्पोनेंट्स है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। लिखिए, साथ साथ लिखिए, ताकि इससे और ज्यादा आपको हेल्प होगी याद करने में, आपको फॉर्मूला इजी याद हो जाएगा अगर आप साथ साथ लिख के करेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, लिख लिया आप सभी ने। क्या मेथड है एक बार मेरे साथ बोलो, कि एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यही खत्म नहीं होता है, फॉर्मूला आगे बढ़ेगा। मैं एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, मिटा दूं। ओके। तो यहां पे हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को समझते हैं, जो कि पहला कंपोनेंट है इनकम मेथड का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, आप सभी को शायद ये पता होगा कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर में क्या फर्क है। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर, Employee, राइट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज, ये काम करता है, ये काम देता है, ये काम करता है डूइंग, और ये काम कर रहा दे रहा है, ये है गिवर, राइट। तो एम्प्लॉयर जो कि काम दे रहा है और एम्प्लॉय जो कि काम कर रहा है, तो कर रहा है मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो मेहनत की क्या मिलेगी इसको, मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कैसे मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कैश में उसको वेजेस मिलेगी, सैलरीज मिलेगी, और क्या मिल सकता है सर, और मिल सकता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड में क्या क्या मिल सकता है, ट्रेवल अलाउंस मिल सकता है, अलाउंसेस मिल सकते हैं, हाउस अलाउंस मिल सकता है, ट्रेवल अलाउंस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, राइट। तो यहां पे क्या, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। एक और बेनिफिट मिलेगा इसको, जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर। कौन देगा इसको, एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देगा। क्या होते हैं वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, पी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और एक और पेंशन है जिसको बोलते हैं हम रिटायरमेंट पेंशन। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं आता है, ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयर जो देता है वो देता है रिटायरमेंट पेंशन। तो किस तरीके से एक काम करने वाले को, एक मेहनत के, एक मेहनती इंसान को किस तरीके से एक एम्प्लॉयर कंपनसेट कर रहा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस दे रहा है, सैलरीज दे रहा है कैश में, वेजेस दे रहा है, सैलरीज दे रहा है काइंड में, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको एम्प्लॉयर से, ठीक है, एम्प्लॉयर से। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और रिटायरमेंट पेंशन, ये हमने पहला कंपोनेंट कंप्लीट कर लिया है। एक बार पूरा फॉर्मूला याद करना जो तुमने ऊपर लिखा था, ये देखो फटाफट देखो, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसके बाद क्या था, ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सरप्लस।
ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या बहुत इजी है, बहुत आसान है, आर आई पी। ये वो वाला आर आई पी नहीं है जब कोई चला जाता है हम बोलते हैं आर आई पी, नहीं, ये है आर मीन्स रेंट एंड रॉयल्टी। यहां इनकम की बात हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट अर्न करेंगे या इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी अर्न करेंगे। आई मतलब क्या है, इंटरेस्ट, हाँ वही ब्याज, आई मीन्स इंटरेस्ट, पी मीन्स प्रॉफिट, नॉट, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, बताऊंगा क्यों। सबसे पहले एक बार देख लो, पहला कंपोनेंट था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा कंपोनेंट है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, आर आई पी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को मैंने स्टार मार्क किया है। प्रॉफिट को थोड़ा वाइडली समझेंगे किस तरीके से। प्रॉफिट क्या है हमारे पास, जब कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट ना गिवन हो तो घबराना नहीं है, हमें प्रॉफिट को ढूंढना है। उस टाइम प्रॉफिट को ढूंढने के लिए हम तीन चीज प्लस करते हैं, ध्यान रखना, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और प्लस रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, अगर एक क्वेश्चन में तीन चीजें मिल जाए, ध्यान से नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली प्रॉफिट ना गिवन हो तो क्या करें, घबरा जाएं या क्वेश्चन को सॉल्व करें। घबराना नहीं है हमें, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कॉर्पोरेट टैक्स को ढूंढना है, उसमें डिविडेंड ऐड करना है, उसमें रिटेन्ड अर्निंग ऐड करनी है। तीनों को प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, आर आई पी, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग भी नहीं गिवन होता है। सर ये क्वेश्चन ही क्यों दे रहे हैं फिर, कुछ गिवन ही नहीं है तो ऐसे नहीं सोचना है, राइट। तो रिटेन्ड अर्निंग कैसे होगा, राइट। तो रिटेन्ड अर्निंग का भी नाम है, रिटेन्ड अर्निंग को कंपनी बोलती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक बांटा ही नहीं गया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने अपने पास रखा वो प्रॉफिट का हिस्सा, इसलिए उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और बोल सकते हो सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो इन चीजों को एक बार देख लेना, इन चीजों को एक बार देख लेना, रिटेन्ड अर्निंग क्या हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, आपके क्वेश्चंस में ये गिवन होगा। अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन है, फिर से सुनो, फिर से मैंने क्या बोला, फिर से देखो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पीछे हमने पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस अभी पढ़ रहे हैं, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, तीन चीज ऐड करना, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के दो नाम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, राइट। अब हमारा तीसरा कंपोनेंट है, मैंने क्या बताया था, मिक्स्ड इनकम, ध्यान है। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कौन सी इनकम होती है, ऐसी इनकम जो अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये एम्प्लॉयमेंट से कमाई है, क्या ये बिजनेस से कमाई है, ये क्या है, ये मिक्स्ड है। ये कैसे मिक्स्ड होती है, ये होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो भी इनकम अर्न हो रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, जो भी आपके हॉकर पेडलर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। यहां से जो इनकम जनरेट हो रही है वो क्या है, आपकी मिक्स्ड इनकम। इसी तरीके से आपने क्या करा, इसी तरीके से आपने पूरा इनकम मेथड कंप्लीट कर लिया। क्या क्या पढ़ा इनकम मेथड में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को आज का पढ़ाया हुआ लेसन बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर कोई भी आपको डाउट हो, हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट byacademy.in पर भी आप विजिट कर सकते हो, जिसपे हम वेरियस कोर्सेज के कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं, और आप भी इससे जुड़े रहोगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी सेम नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।